कैसा काट रहा है देखा, ये देखिए बाइट के। हल्का सा बाइट हो गया पर काट लिया ना, काट लिया ये देखिए। अगर काट ले किसी को, किसी व्यक्ति को, कहीं पर भी काटे, हाथ को, पाँव को, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हमें अच्छे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर बीज बाधा पर ट्रीटमेंट मिलता है, यानी बीज बाधा पर उपचार मिलता है, ऐसे हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। चाहे वो जहरीला सांप हो चाहे बिना जहर वाला। आप सोच रहे हो कि मुझे अभी सांप ने काट लिया तो मुझे कुछ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं उड़ीसा में हूँ, और आज कौन से गाँव में पहुँचे हम? बेतनाटी। बेतनाटी, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा ये? नयागढ़। नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँचे हैं रेस्क्यू के लिए। ये देख सकते हैं आप, गाँव वाले लोग सांप हमारा आने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग एक घंटा लगा हमें यहाँ पर आने के लिए, और बिना देरी के हम चलते हैं। कहाँ पर है सांप देखते हैं? कहाँ पर है सांप? कहाँ से जाना होगा? हाँ चलिए चलिए, आप दिखाइए रास्ता, चलिए। इसमें घर में है ना, काफी भीड़ जमा हुआ है, सब लोग आए क्या? ये घर में खोल लो उसको, भाई इसके नीचे का हाँ यहाँ पर कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक। मोबाइल है ना, ये कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक, हाँ हिंदी में अलंकृत। ये जहरीला नहीं है, काटता बहुत ज्यादा है, काटता है। ये देखिए Hey!
कैसा काट रहा है देखा। काफी बिग साइज में कॉपर हेडेड ट्विंकेट स्नेक और बहुत ज्यादा आक्रामक, ये सांप बहुत ज्यादा आक्रामक होता है। देखिए तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बड़ा ये पॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक। चलिए इसको बाहर लेते हैं बाकी लोग देख पाए। कैसा है देखा, ऐसा बाइट करता है जब। बहुत ही फुल साइज में ये कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक और बहुत ज्यादा आक्रामक। यहाँ उड़ीसा में ये बहुत ज्यादा मिलते हैं और दोस्तों काफी आक्रामक एक सांप होता है। देखिए बहुत ज्यादा आक्रामक। और ये काटेगा तो बहुत बड़ा घाव हो जाएगा। इसके काटने से वैसे कुछ होता नहीं लेकिन ये चूहा मेंढक खाता है। ज़्यादातर इसका पसंदीदा खाना चूहा है, तो अगर ये काट लेगा तो जहाँ पर इसने काटा है वहाँ पर ये बैक्टीरिया हो सकता है और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ऐसा सांप काटने के बाद भी आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। बिना जहर वाला हो भी आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। तो पहले भी हमने कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक रेस्क्यू किया था, ये दूसरा काफ़ी बड़ा मिला है, बहुत ही बड़ा है। और देखिए किस तरह से ऐस करके आकार करता है। ये इसका काटने की स्थिति है, जब सामने वाले पर आक्रामक होता है तो इस तरह से ऐस कर देता है। ये देखिए कॉपर हेडेड ट्रिंकेट। हल्का सा बाइट हो गया पर काट लिया ये देखिए ब्लडिंग निकल रहा है। यहाँ पर इसने बाइट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। तो दोस्तों बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी ने भी सांपों को नहीं पकड़ना है, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा। हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग लिया है, किस तरह से सांप पकड़ते हैं सब हमें पता होता है। वैसे तो ये बिना जहर वाला है दोस्तों, यहाँ पर जो सांप काट लिया। कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक, कॉपर हेडेड है।
ओडिशा रे कौन कह तो दोस्तों चलिए हम इसको बैग में डालते हैं और एक सुरक्षित जगह पर इस सांप को हम रिलीज करेंगे। और कुछ जानकारी चाहिए हो सांप के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों ताकि आगे और वीडियो बना पाए। ये देखिए यहाँ पर बाइट कैसे खून निकल रहा है ना। कभी कभार ये काटने के बाद अपने दांत जो है टूट जाते हैं अंदर, तो उसको निकालना ज़रूरी है नहीं तो वहाँ पर पॉइजन हो जाएगा। अगर हम दांत नहीं निकाल पाए वहाँ पर पॉइजन होगा और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ठीक है तो देखिए सांप कोई भी हो, जहरीला हो बिना जहर वाला हो, अगर काट ले किसी को, किसी व्यक्ति को, कहीं पर भी काटे हाथ को पाँव को, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हमें अच्छे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर विष बाधा पर ट्रीटमेंट मिलता है, यानी विष बाधा पर उपचार मिलता है, ऐसे हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, चाहे वो जहरीला सांप हो चाहे बिना जहर वाला। आप सोच रहे हो कि मुझे अभी सांप ने काट लिया तो मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप है। फिर भी हम बेसिक ट्रीटमेंट यानी सरकारी अस्पताल में जा करके बेसिक ट्रीटमेंट ले लेंगे जिससे कुछ होगा नहीं, यानी पॉइजन जो है जो उसने दांत जो छोड़े होंगे अंदर वहाँ पर पॉइजन नहीं होगा या फिर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं इंजेक्शन लेने वाला हूँ। लेकिन ये सांप जानलेवा नहीं है, काटता है ना, तो सांप काटने के बाद डर से इंसान मर जाता है, इसलिए डरे नहीं। कोई भी सांप हो जल्द से जल्द काटने के बाद हॉस्पिटल जाए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। मांत्रिक बाबा, झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र या किसी मंदिर में मरीज को ले जाओगे, यानी जिसको सांप काटा है उसको मंदिर में लेके जाओगे तो व्यक्ति मर जाएगा। सांप काटने के बाद हाथ बांधना नहीं है, जिसको बांधने को आता है, यहाँ पर काट लिया तो कुछ लोग बांध देता है जोर से बांधना नहीं है। बांधने के बाद क्या हो जाएगा, गैंगरिंग हो सकता है, अगर रसल्स वाइपर बाइट किया हाथ खराब हो सकता है, हाथ निकालना पड़ सकता है, तो इसलिए बांधे नहीं। ठीक है आप बताइए बुढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा अभी जो कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक हमने रेस्क्यू किया था, यहाँ पर इस सांप को हम पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं और ये पूरा फॉरेस्ट है उड़ीसा का और यहाँ जंगल में इस सांप को हम रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए काफ़ी बिग साइज़ में है, 5 फीट से भी ज़्यादा है, 6 फीट होगा लगभग, मेरी हाइट 6 फीट है ना, देखो 6 फीट है, 6 फीट का ये। तो देखिए इसको हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, तो किस तरह से जंगल में भाग गया देखिए। तो दोस्तों इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों के रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ।